नमस्कार दोस्तों, स्टे हेल्दी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर साल बुखार के पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसी तरह बुखार का एक प्रकार मस्तिष्क बुखार, जिसे मस्तिष्क ज्वर कहा जाता है, इसके मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, मेनिंजाइटिस या मस्तिष्क का बुखार बहुत ही खतरनाक और संक्रामक रोग है, जो कि मेनिंगोकोकस नामक जीवाणु से होता है। इसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में सूजन आ जाती है। इसे सामान्य भाषा में गर्दन तोड़ बुखार भी कहा जाता है। दिमागी बुखार तीन प्रकार का होता है। पहला होता है वायरल मेनिंजाइटिस। यह एक गंभीर संक्रामक नहीं है। यह मच्छर जनित वायरस के रूप में शरीर में पहुंचकर बुखार का कारण होता है। इस प्रकार के मेनिंजाइटिस के लिए कोई विशेष उपचार नहीं है। दूसरा है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। आमतौर पर यह एक गंभीर संक्रमण है। और आखिरी तीसरा है फंगल मेनिंजाइटिस। इसमें मेनिंजाइटिस होने का खतरा सबसे कम होता है। यह संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलता है। यह जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, कैंसर हो, HIV हो, तो उन्हें प्रभावित करता है। दोस्तों, मेनिंजाइटिस के लक्षणों की पहचान बहुत ही आसान है। छोटे बच्चों में निम्न लक्षणों पर गौर करना चाहिए, जैसे बच्चों का तेज या कराह कर रोना, तेज व असामान्य सांसें लेना, लाल धब्बे पड़ जाना आदि। और बड़ों में इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, गर्दन में अकड़न, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, बुखार, उल्टी आदि। इन लक्षणों के साथ हमें वो कारण भी पता होना चाहिए जिनसे मेनिंजाइटिस होने की संभावना रहती है। मेनिंजाइटिस में बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करके दिमाग और स्पाइन कॉर्ड में चला जाता है। कई बार जुखाम या साइनस की समस्या होने से भी यह बैक्टीरिया नाक और मुंह के द्वारा शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और दिमाग में सूजन पैदा करते हैं। दिमागी बुखार का घरेलू उपाय और आयुर्वेदिक दवाइयों द्वारा इलाज किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं दिमागी बुखार के इलाज के घरेलू उपाय। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शरीर में पूरी तरह आराम दें। रोगी को अंधेरे और शांत कमरे में रखें। रोगी को अनार का जूस दें और लहसुन का भी सेवन कराएं। ORS का घोल गर्म पानी के साथ सेवन करें। यदि आपके क्षेत्र में बुखार फैला हो तो मास्क का प्रयोग करने में ना शर्माएं। सामान्य से ज़्यादा अल्कोहल का सेवन ना करें। धूम्रपान लेने से और इसके धुएं से बचें। यदि आपको कानों में कोई समस्या हो तो तुरंत इलाज कराएं। बदलते मौसम, खासकर सर्दियों में इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखें, इसके लिए आप नियमित रूप से व्यायाम करें। जंक फूड ना खाएं और पौष्टिक खाने को प्राथमिकता दें। विटामिन युक्त पदार्थ खाएं। दिमागी बुखार पीड़ित व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। खुद को दिमागी बुखार से बचने वाली वैक्सीन लगवाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए रोग व उसके उपचार के साथ। मैं आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टे हेल्दी को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।